गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक है। धीरे धीरे सब सिचुएशन सुधरेगा जो भी बिगड़ा हुआ है, बट अभी सुबह का समय है और नहाना वहाना कुछ नहीं हुआ है। किचन में अभी खाना मैं बना रही थी, और खाना में क्या अच्छा लगता है तो आज शुभ ने कहा है कि कढ़ी खाऊंगा। बन गया है कढ़ी, बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। बड़ी व्यू पर आ गया, मतलब बन गया है पूरे अच्छे से। तो ये बन गया कढ़ी हमारा, और राइस भी रेडी है। राइस बस ये आलू भुजिया कट करना है और बस डाल देना है बनने के लिए। आलू भुजिया भी रेडी हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। हमारा खाना वाना हो गया है, पूजा भी कर लिया मैंने, और कपड़ा वपड़ा धोना था, मतलब हल्का फुल्का मशीन में धुल गया है। इतना गजब सा हो रहा है, एकदम नीचे आया हुआ समय सा लग रहा है। कुछ दिन के बाद ये धूप के लिए तरसेंगे सब, देखिए ठंडी आ जाएगी, और ठंडी में तो धूप बहुत मुश्किल से ही निकलता है। तो वो यहाँ पे इस बालकनी में आएगा, उस बालकनी में भी आएगा, लेकिन 12 से 1 बजे तक रहेगा, उसके बाद डाउन हो जाता है, इधर से निकल के इस साइड में चला जाता है। तो जल्दी जल्दी नहाना वहाना होगा, क्योंकि ना ठंडी के समय में नहाने के बाद तो ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा, और मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडी लगती है। तो धूप का तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है, मतलब ठंडी के दिन में बहुत ज़्यादा, गर्मी के दिन में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा है कुछ अभी का टाइम, और फिर धूप डाउन भी हो रहा है। अभी मैं जा रही थी दवा, टाइम हो गया है, खाना वाना खा लिया मैंने, तो अभी ना एक विटामिन है वो खाना है मुझे। क्या नाम है इसका? ये है विटामिन कैप्सूल, वो खाना है। तो बस अब दो रह गया और भी मंगाना होगा, चलते हैं खा लेते हैं। तो बैठा हुआ आराम कर रहा है, और इधर बालकनी में मैंने देखा अभी कोई है बालकनी में, तो देखते हैं बालकनी में कौन है। क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? जम गया है मिट्टी, तो वही थोड़ा सोच रहे कि ठीक कर देते, ढीला कर देते थोड़ा सा, तो देख रेख हो रही है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा, इसीलिए अकेले बैठी हुई है, और कपड़े सारे धो दिए आज। धूप इतना हो रहा है कि धूप की वजह से देख सकते हो पत्ते ना सारे मुरझा जा रहे हैं। पानी डाले है ना, तो जैसे नहीं सोंधा सोंधा सा मारता मिट्टी, वैसे ही महक रहा था, वैसे ही महक रहा है। एक दिन अब पानी नहीं डालने पे ना फूल एकदम मुरझा गया, बहुत ज्यादा धूप लग रहा था। पत्ते भी आने शुरू हो गए, इसमें पत्ते आने शुरू हो गए, पत्ते आ गए, जब छोटा वाला था वो भी गए थे ना उसी समय सूख गया था। हाँ, उसमें भी पत्ते आने शुरू हो गए छोटे वाले में।
मैं आ गई हूँ किचन में और शुभ का बहुत दिन से मन था कि बर्गर खाना है और बर्गर बाहर का उसे अच्छा नहीं लगता है, नहीं खा पाता है क्योंकि मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बना रही हूँ अभी बर्गर, यहाँ पे ब्रेड और टिक्की अभी बना चुकी हूँ मैं। यहाँ पे टिक्की रेडी है और यहाँ तो ब्रेड है और यहाँ है तवा, तवा पे डालूंगी बटर। इस तरह से सारे और सारा भेज जो है उसको कट करना है, जो मतलब टमाटर और प्याज खीरा ये जाएगा। और इसी तरह से जैसे सेकना है ना बटर लगा के, तो सेक लेती हूँ सारे को। और ये घर पे बनाओ ना मतलब सिंपली ये बन भी जाता है, कुछ ज़्यादा झंझट है नहीं। और शुभ मेन शुभ को बाहर का पसंद नहीं है तो अच्छा है, बन जाता है और वो आराम से खा भी लेता है। ये इतनी ज़्यादा मसाले नहीं खा पाते हैं बच्चे, तो घर पे बना लो आराम से। बहुत दिन से हल्ला कर रहा था तो सोचा बना लेती हूँ। सीख गया है सारा। घर पे कुछ बनाओ ना तो वो हेल्दी होता है। आप कितना तेल डालते हो, बटर डालते हो, घी डालते हो, आपको पता है कितना खाना है घी घी बटर उस मात्रा के अनुसार डालते हो तो वो बहुत हेल्दी हो जाता है। बाहर में तो ये सब ध्यान नहीं रखते हैं, वो डीप फ्राई करेंगे वो जो बर्गर में जो डालते हैं आलू का कटलेट, वो सब सब डीप फ्राई होता है तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। स्माइली बर्गर रेडी है, दे देती हूँ शुभ को। शुभ उठो, उठ जाओ क्या शुभ है। और ये है शुभ का स्माइली बर्गर, ये चलो खा लो। इधर चल रहा है बर्गर पार्टी, खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। शुभ खाओ, खा के बताओ कैसा बना है, कैसा लग रहा है शुभ? हाय राम, कितना गंदा फेस बनाया है, नहीं अच्छा है क्या? अच्छा है। ओ तो क्या कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे क्या? ओह एक ड्रेस था जो कि बहुत दिन से मत पड़ा हुआ था, लॉन्ग हो गया था मतलब साइज से लंबा था, तो उसे ही अल्टर करना था मुझे। तो आज मौका मिला तो मैं अल्टर करने बैठ गई थी, तो वही मैं अल्टर कर रही हूँ फटाफट से। फैमिली रात हो चुकी है और डिनर का टाइम हो चुका है और खाना कुछ खास नहीं बनाया है, भिंडी की सब्जी है और हल्का फुल्का रोटी मतलब ब्यूरो रोटी की बन गया था सामने हमारा, और बर्गर तो थोड़ा हेवी लग रहा है तो उस वजह से सब बोल रहे हैं कि नहीं मुझे कम खाना है, खाना ही
रात का समय तो थोड़ा एक दो होगी, चलेगा ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। यहाँ पे हमारा सरसों वाली भिंडी की सब्जी, सरसों की सब्जी भिंडी वाली, और साथ में है रोटी। तो चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और ब्लॉग में बने रहिएगा। फिलहाल तो रात हो चुका है, तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।